हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रहा है? यस नो? ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? यस नो? स्क्रीन दिख रहा है? यस नो? ठीक है, चलेगा। तो हम लोग कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या समझा, पॉलिनॉमियल्स को समझा कि पॉलिनॉमियल क्या होती है और उसकी क्या कंडीशंस हैं। पॉलिनॉमियल क्या होती है और उसकी क्या कंडीशंस हैं। नेक्स्ट उसको आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम से पहले एक और चीज है, कोई अगर पॉलिनॉमियल है ए एन एक्सेस टू एन प्लस ए एन माइनस वन एक्सेस टू एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए नॉट, अगर ये एक्स इज इक्वल टू अल्फा पर जीरो हो जाता है, यानी पी ऑफ अल्फा जीरो हो जाए, यानी ए एन अल्फा रेस टू एन प्लस ए एन माइनस वन अल्फा रेस टू एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए वन अल्फा प्लस ए नॉट, अगर ये जीरो हो जाए तो अल्फा को रूट बोलते हैं। अल्फा इज अ रूट। तो सॉल्यूशन और रूट में फर्क होता है, सॉल्यूशन और रूट में फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो इसका एक सॉल्यूशन है वन, पर इसके दो रूट्स हैं वन वन। तो इसके दो रूट्स हैं वन वन, लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो एक ही है एक्स इज इक्वल टू वन। सॉल्यूशन का मतलब होता है उस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करता है, उस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करता है। लेकिन रूट्स का एक और, रूट्स का डिग्री पे भी डिपेंड करता है कि डिग्री क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो फिलहाल अभी तुम्हें बस इतना समझना है कि जिसके रखने से पॉलिनॉमियल जीरो हो जाए उसको रूट बोलते हैं, जिसके रखने से पॉलिनॉमियल जीरो हो जाए उसको रूट बोलते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर थ्योरम कि इफ अल्फा इज अ रूट, इफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज अ रूट, इफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज अ रूट ऑफ द पॉलिनॉमियल देन एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर। तो अगर एक्स इक्वल टू अल्फा रूट होगा तो एक्स माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा। नेक्स्ट है तो इसका प्रूफ क्या है। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम से आता है कि किसी पॉलिनॉमियल को किसी पॉलिनॉमियल से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। ये रिमाइंडर या तो पॉलिनॉमियल होगी या जीरो होगा। तो अगर रिमाइंडर जीरो है तो यानी ये परफेक्टली डिविजिबल है। नेक्स्ट अगर डिविजर की जो भी डिग्री है तो रिमाइंडर की डिग्री डिविजर की डिग्री से कम होती है, डिविजर की डिग्री से कम होती है। नेक्स्ट मुझे प्रूफ करना है कि एक्स इज इक्वल टू अल्फा रूट है तो एक्स माइनस अल्फा फैक्टर होगा। तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होता है जो उसको परफेक्टली डिवाइड डिवाइड करता है। जैसे 15 है तो 15 का फैक्टर 3 है पर 4 नहीं है, क्योंकि 3 इसको परफेक्टली डिवाइड करता है, 4 इसको परफेक्टली डिवाइड नहीं करता है। तो मुझे और टू प्रूव दैट, तो मुझे प्रूफ करना है कि एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर। तो मुझे प्रूफ करना है कि एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर। तो और टू प्रूव दैट कि एक्स माइनस अल्फा डिवाइड करने से रिमाइंडर जीरो आएगा, एक्स माइनस अल्फा डिवाइड करने से रिमाइंडर जीरो आएगा। तो ये एक पॉलिनॉमियल है, इस पॉलिनॉमियल को मैंने एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड किया तो क्वोशेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। अब अपने को पता है कि ये लीनियर है तो रिमाइंडर या तो कांस्टेंट होगा या फिर जीरो होगा। तो या तो रिमाइंडर कांस्टेंट होगा या फिर जीरो होगा, तो लीनियर। तो और टू प्रूव, तो मुझे प्रूफ करना है कि एक्स माइनस अल्फा फैक्टर है। तो और टू प्रूव दैट कि पॉलिनॉमियल इज परफेक्टली डिविजिबल बाय एक्स माइनस अल्फा, और टू प्रूव दैट रिमाइंडर इज जीरो। ठीक है, तो मैंने पुट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, तो पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्यू ऑफ अल्फा इनटू अल्फा माइनस अल्फा प्लस रिमाइंडर, ये जीरो हो जाएगा। और पी ऑफ अल्फा जीरो है क्योंकि वो उसका रूट है, तो रिमाइंडर इज जीरो। तो रिमाइंडर इज जीरो, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इनटू एक्स माइनस अल्फा, तो यानी पी ऑफ एक्स इज परफेक्टली डिविजिबल बाय एक्स माइनस अल्फा। तो अब तुम ध्यान में रखो कि
कि x इज इक्वल टू अल्फा रूट होता है तो उसका वो फैक्टर होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो एक्स इज इक्वल टू वन इसका रूट है, तो नहीं एक्स इज इक्वल टू टू इसका रूट है तो एक्स माइनस टू इसका फैक्टर होगा. एक्स इज इक्वल टू थ्री भी इसका रूट है तो एक्स माइनस थ्री भी इसका फैक्टर होगा. एक्स माइनस थ्री भी इसका फैक्टर होगा. एक मिनट ना. ओके. तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि x इज इक्वल टू अल्फा रूट है तो यानी x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा. नेक्स्ट है थ्योरम कि ए थ्योरम क्या रिमार्क है, n डिग्री पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली n रूट्स. तो डिग्री एन पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली एन रूट्स. एग्जैक्टली का मतलब है ना एक ज्यादा ना एक कम. तो ये कह रहा है कि अगर कोई ए एन एक्स टू एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू एन माइनस वन से लेके ए वन एक्स प्लस ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो इस
हाँ हेलो, अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है, चलेगा? वो बैकग्राउंड में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो तुम्हें ध्यान है कि लास्ट मैंने क्या बोला था? क्योंकि मैं बोलते बोलते बहुत आगे निकल गया था। लास्ट तुम लोगों ने क्या सुना था? हेलो, हेलो सर, आप वो nth इक्वेशन के बारे में बता रहे थे। हाँ कि डिग्री एन पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली एन रूट्स। अच्छा ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट सर, करता उसको, चलेगा? मैं फिर से रिपीट करता। सर, आपकी फिर से आवाज नहीं आ रही। हाँ हेलो, आवाज आ रही है अभी? यस नो, चलेगा? तो अभी आवाज आ रही है? यस नो। अरे बाप रे, अच्छा ठीक है, आवाज आ रहा है? यस नो। अरे यार, ओके ठीक है। और स्क्रीन दिख रही है? यस नो, हाँ सर, ठीक है, चलेगा, डन। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि डिग्री एन पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली एन रूट्स। तो डिग्री एन पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली एन रूट्स। तो इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं कि अजम्पशन एंड कॉन्ट्रडिक्शन से। तो मैंने अज्यूम किया कि देर आर एन प्लस वन रूट्स। तो कोई पॉलिनोमियल के अगर एन प्लस वन रूट्स हैं, तो एक्स वन प्लस एक्स टू से लेके एक्स एन प्लस वन, तो फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, अगर एक्स वन रूट है तो एक्स माइनस एक्स वन फैक्टर होगा, एक्स टू रूट है तो एक्स माइनस एक्स टू फैक्टर होगा, तो एक्स माइनस एक्स एन प्लस वन वो भी एक फैक्टर होगा। नेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आया कि लेफ्ट साइड में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री एन है, पर राइट साइड को जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो उसकी डिग्री एन प्लस वन आएगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर होगा कोफिशियंट ऑफ एक्स एस टू, तो एक्स एस टू एन प्लस वन होगा हाईएस्ट पावर, तो डिग्री एन प्लस वन। तो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे? इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल फेल हो गया, लेफ्ट साइड डिग्री एन है, राइट साइड डिग्री एन प्लस वन है, तो इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल फेल हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन। तो माई अजम्पशन इज रॉन्ग, तो यानी एन प्लस वन रूट्स नहीं है। फिर से अज्यूम कि एन माइनस वन रूट्स होंगे, तो पॉलिनोमियल है जिसके एन माइनस वन रूट्स है, तो एक्स वन एक्स टू से लेके एक्स एन माइनस वन, तो अगर इसके एन माइनस वन रूट्स हैं तो फैक्टर थ्योरम, तो एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू से लेके एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन, ये उसके फैक्टर्स होंगे फ्रॉम फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अगेन कॉन्ट्राडिक्शन कैसे? लेफ्ट साइड जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री एन है, लेफ्ट साइड जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री एन है, राइट साइड जो है उसमें हाईएस्ट पावर होगा एक्स एस टू एन माइनस वन, तो डिग्री हो जाएगी एन माइनस वन, तो इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल फेल हो गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन।
माय अजम्पशन इज रॉन्ग, इसका मतलब है कि n माइनस वन रूट्स भी नहीं है, तो n से ज्यादा नहीं है, n से कम नहीं है, तो एग्जैक्टली n है, तो देयर विल बी एग्जैक्टली n रूट्स। तो इसका मतलब है कि अगर कोई डिग्री थ्री पॉलिनोमियल है यानी क्यूबिक, तो उसके एग्जैक्टली तीन रूट्स होंगे। अब उनका नेचर कैसा होगा ये बात अलग है, वो रियल है कि इमेजिनरी है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, कितने रिपीटिंग है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर एग्जैक्टली तीन रूट्स होंगे सब मिला के, रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, सब मिला के एग्जैक्टली तीन रूट्स ही उसके होंगे। नेक्स्ट है कि अगर मान लो कभी भी ग्राफ में पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट करता है तो वो उसका रूट होता है, क्योंकि इस पॉइंट पर पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो एक्स एक्सिस को अगर कट करेगा तो वो उसका रूट होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल जीरो हो रही है, और अगर टच करता है तो रिपीटिंग रूट्स होते हैं, और रिपीटिंग का मतलब है दो या दो से ज्यादा। तो हम ये नहीं बता सकते कि कितने रिपीट कर रहे हैं, पर ये बता सकते हैं कि दो तो कर रहे हैं, कि कम से कम दो तो करेंगे, ये अपन बता सकते हैं, पर तीन करेंगे कि चार करेंगे उसके लिए डेरिवेटिव का फंडा लगता है। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई रूट अगर कितनी बार रिपीट कर रहा है तो कैसे चेक करते हैं। अगर कोई रूट m टाइम्स रिपीट कर रहा है, m टाइम्स रिपीटिंग है, तो उसको कैसे चेक करते हैं। नेक्स्ट है, अब क्वाड्रेटिक को आगे बढ़ाते हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब वर्ड पॉलिनोमियल होता है ना, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में फर्क है, तो अभी समझ में आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है टू, इसमें जो x होगा वो बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, ए बी सी जो है दे आर नोन एज अ कोफिशिएंट्स, दे आर नोन एज अ कोफिशिएंट, दे आर नोन एज अ कोफिशिएंट एंड दे आर कांस्टेंट एंड दिस शुड बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट a जो होता है यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं क्योंकि वो ग्राफ को लीड करता है। तो ग्राफ को कैसे लीड करता है, मान लो y इक्वल टू x स्क्वायर यानी पॉजिटिव कोफिशिएंट है, तो पॉजिटिव कोफिशिएंट हम ऊपर खुलेगा, माइनस x स्क्वायर नेगेटिव कोफिशिएंट है, तो लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो मुंह नीचे खुलेगा, तो लीडिंग कोफिशिएंट ग्राफ को लीड करता है इसलिए उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, पॉजिटिव तो मुंह ऊपर खुलेगा, नेगेटिव तो मुंह नीचे खुलेगा। नेक्स्ट c, इसको कॉन्स्टेंट टर्म बोलते हैं, कभी कभी एब्सोल्यूट टर्म भी बोलते हैं, ये एक्चुअली ये बताता है कि y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो अगर c पॉजिटिव है तो y एक्सिस को ऊपर कट करेगा, c जीरो है तो ओरिजिन से पास होगा, और c नेगेटिव है तो y एक्सिस को नीचे कट करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे c जीरो है तो ओरिजिन से पास होगा, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो यानी y एक्सिस को ऊपर कट करेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो यानी नीचे कट करेगा। तो c पॉजिटिव, c नेगेटिव और c जीरो, तो ये बताता है। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्क है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फर्क क्या है, तो वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें एक्स रखो वाई मिलेगा, तो कभी एक्स जीरो रखा वाई मिला, एक्स वन रखा वाई मिला, एक्स टू रखा वाई मिला, एक्स टू पॉइंट वन रखा वाई की वैल्यू मिलेगी, तो एक्स की वैल्यू रखते जाओ वाई की वैल्यू मिलती जाएगी, तो ऐसे एक्स की इनफाइनाइट वैल्यूज रखेंगे तो y की इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, पर इक्वेशन में क्या होता है, वो कौन सा x रखूं जिस पर ये जीरो मिले, तो पॉलिनोमियल में क्या होता है, x रखो y मिलेगा,
इक्वेशन में क्या होता है, एक्स ऐसा कौन सा एक्स रखूं जिस पे वाई जीरो मिलेगा, और हमें पता है जिसके रखने से जीरो मिलेगा उसको रूट्स बोलते हैं। तो इसके रूट्स हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। नेक्स्ट है कि ये रूट के अंदर जो चीज है उसको लिखते हैं d, डिस्क्रिमिनेंट। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, तो d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स, ए मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी मतलब कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म। नेक्स्ट डी जो बताता है वो नेचर ऑफ रूट्स बताता है। नेचर ऑफ, नेचर मतलब रियल और इमेजिनरी, तो डी एक्चुअली नेचर ऑफ रूट्स बताता है। तो डी अगर पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल मतलब नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी अगर जीरो है तो रियल एंड कोइंसिडेंट, या फिर रियल एंड कोइंसिडेंट। तो रियल का मतलब है नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं, कोइंसिडेंट मतलब वो एक ही रूट दो बार है, वो एक ही रूट दो बार है। और डी अगर लेस देन जीरो है तो इमेजिनरी रूट्स, इसका मतलब है कि आयोटा का टर्म आएगा, इमेजिनरी रूट्स आयोटा का टर्म आएगा। नेक्स्ट अगर एबीसी रियल है, कोफिशियंट्स अगर रियल है, तो अगर इसका एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीट, इसका एक रूट अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। अगर इसका एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो इसका दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, इसका मतलब होता है आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दो। आयोटा कौन, वो रूट ओवर माइनस वन। तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दो, यानी रूट माइनस वन। नेक्स्ट नेक्स्ट है इसके ग्राफ्स। तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर तुम नोटिस करोगे तो पैराबोला चैप्टर में भी अपन ने देखा है, ये x की क्वाड्रेटिक है एक्चुअली। तो x की क्वाड्रेटिक है तो ये वर्टिकल पैराबोलाज आते हैं, वर्टिकल पैराबोला। इसका मतलब होता है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू y एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो एक्चुअली तो पैराबोला इस तरह का दिखता है, और ये हो गई एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट है लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो मुंह ऊपर खुलेगा, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव, मुंह नीचे खुलेगा। ये कैसे आया, ये एओडी चैप्टर से आया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर से। तो वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा टू ए एक्स प्लस बी, और इसका सेकेंड डेरिवेटिव होगा टू ए। तो अगर ए पॉजिटिव है तो वाई डबल डैश पॉजिटिव है तो कॉन्केविटी अपवर्ड्स। तो अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो मुंह ऊपर खुलता है। ए अगर नेगेटिव है तो वाई डबल डैश नेगेटिव है, तो वाई डबल डैश नेगेटिव तो कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स, y double dash is negative तो concavity downwards। तो ये वहां से आया। Next इसमें भी तीन possible graph बनाए, तो इसमें भी तीन possible graph बनाए। जब वो x axis को दो बार cut कर रहा है, जब वो x axis को touch कर रहा है, और जब वो x एक्सिस के ऊपर है। जब वो x एक्सिस को दो बार कट कर रहा है मुंह नीचे खुल रहा है, जब वो x एक्सिस को टच कर रहा है मुंह नीचे खुल रहा है, और जब वो x एक्सिस को कट नहीं कर रहा और मुंह नीचे खुल रहा है। ओके अब इनकी मैथमेटिकल कंडीशंस क्या है, तो इनकी मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, तो अगर x एक्सिस को कट करेगा तो रियल रूट्स, तो d इज ग्रेटर देन 0। x एक्सिस को टच कर रहा है मतलब रिपीटिंग रूट्स, d इक्वल टू जीरो। x एक्सिस को कट नहीं कर रहा मतलब इमेजिनरी रूट्स, d लेस देन जीरो।
एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, मतलब रियल रूट्स डी ग्रेटर देन जीरो, एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं डी इक्वल टू जीरो, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा डी लेस देन जीरो. नेक्स्ट, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव, नहीं थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स, सेकेंड थर्ड फोर फाइव सिक्स, तो वो कौन सी सिचुएशन है, वो कौन सी सिचुएशन है व्हेन द पैराबोला क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव. थर्ड, तो क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो कौन सा केस है, थर्ड. तो कंडीशन क्या बनी कि लीडिंग कोफिशिएंट इज, तो क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो विद इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसकी कंडीशन क्या बनी कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0, यानी मुंह ऊपर खुलेगा और इमेजिनरी रूट्स होंगे. एक मिनट ना, ओके. नेक्स्ट, अगर नॉन नेगेटिव की बात करें तो यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो नॉन नेगेटिव किस केस में आएगा, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड के केस में आएगा, यानी मुंह ऊपर खुलना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन इक्वल टू जीरो. अगर बोला कि क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव, तो यानी सिक्स्थ केस, क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव मतलब लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी फिफ्थ और सिक्स्थ. तो कंडीशन होगी मुंह नीचे खुल रहा है तो लीडिंग कोएफिशिएंट इज नेगेटिव और डी लेस देन इक्वल टू जीरो. ये आने चाहिए फटाफट, ग्राफ को इक्वेशन को देखते ही ग्राफ तुम्हारे दिमाग में आ जाना, इक्वेशन को देखते ही ग्राफ तुम्हारे दिमाग में आ जाना, ऐसा होना चाहिए. नेक्स्ट है कि अगर एबीसी रैशनल है, एबीसी अगर रैशनल है तो कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या. तो दो चीजें हैं, तो डी इज परफेक्ट स्क्वायर, तो डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या बोल सकते हैं, तो देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, तो ये रूट्स होते हैं, तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर रूट हटेगा तो माइनस बी प्लस माइनस के अपॉन टू ए, तो ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो ये पूरा रैशनल हो जाएगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि रूट्स आर रैशनल. तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि रूट्स आर रैशनल. नेक्स्ट है कि अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा, तो ये माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए का केस आएगा, तो माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, तो ये रूट की टर्म अटक जाएगी, तो रूट की टर्म अटक जाएगी तो एक प्लस में आएगी और एक माइनस में आएगी, तो इसका मतलब है कि अगर एक रूट पी प्लस रूट क्यू है, अगर एक रूट पी प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट पी माइनस रूट क्यू होगा, p माइनस रूट क्यू. फॉर एग्जाम्पल अगर एक रूट रूट टू माइनस वन है तो दूसरा माइनस रूट टू प्लस वन होगा, माइनस रूट टू माइनस वन होगा, माइनस रूट टू माइनस वन होगा. इसमें बच्चे एक सिली मिस्टेक करते हैं, वो रूट टू प्लस वन कर देते हैं, उनको लगता है दूसरा वाला जो भी माइनस है वो प्लस होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है ना, रूट वाला टर्म माइनस होगा, तो यहाँ रूट टू है तो रूट टू वाला टर्म माइनस में जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, बट मेक श्योर कि ए बी सी आर रैशनल, ए बी सी आर रैशनल. ओके, दो मिनट का ब्रेक. Thank you.
ओके सो आवाज आ रहा है? यस नो? ठीक है चलेगा. नेक्स्ट है कि अभी तक क्या कर रहे थे, इक्वेशन दी थी रूट्स निकाल रहे थे. तो इक्वेशन दी थी रूट्स निकाल रहे थे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इक्वेशन दिया था. तो रूट्स आ गए माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय टू ए. लेकिन अब उल्टा कि रूट्स दिए हैं, इक्वेशन बनाओ. तो अगर मान लो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो उसके रूट्स टू और थ्री होंगे. उसके रूट्स टू और थ्री होंगे टू. हाँ, लेकिन वो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट्स टू एंड थ्री होंगे? तो अब उल्टा हो गया, तो इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ठीक है. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसके रूट से अल्फा बीटा. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो फैक्टर थ्योरम, अगर अल्फा रूट है तो एक्स माइनस अल्फा फैक्टर होगा, बीटा रूट है तो एक्स माइनस बीटा फैक्टर होगा. नेक्स्ट, लेफ्ट साइड में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, पर राइट साइड में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन है, तो ये इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल नहीं तो फेल हो जाएगी. तो इसको ए से मल्टीप्लाई कर देता है. नाउ दे आर इक्वल. तो अब तुम डायरेक्ट ध्यान में रखो कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू दे रखा है जीरो, तो उसको लिख सकते हैं ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट, अब इसको और आगे समझते हैं. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? तो दोनों तरफ पहले ए से डिवाइड कर देते हैं. क्यों? क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू जीरो. लीडिंग कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई ए से डिवाइड कर दिया, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. अब इसको एक्सपेंड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. इसको बोलेंगे सम ऑफ रूट्स और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो इनको कंपेयर किया. क्यों? इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल. अगर दोनों पॉलिनोमियल बराबर है तो कोफिशियंट्स भी बराबर होंगे. तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा सी बाई ए. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा सी बाई ए. तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन लीडिंग कोफिशियंट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशियंट. तो ये हो गया रूट्स और कोफिशियंट का. तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशियंट. एक ये हो गया. नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन, कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है तो उसका सम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा बीटा. तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो. तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट, तो जैसे क्वेश्चन में दे रखा था टू और थ्री रूट्स है, तो इक्वेशन बनाओ. तो सम हो जाएगा फाइव, प्रोडक्ट हो जाएगा सिक्स. तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो. तो इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है और उसके रूट अल्फा बीटा है, तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा निकाल सकते हैं सी बाई ए. तो हम ऐसे हायर ऑर्डर भी निकाल सकते हैं. हायर ऑर्डर से मतलब जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा. सपोज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. तो क्या होगा ना, तो हायर ऑर्डर सिमेट्रिक रिलेशन. तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या है कि अल्फा की जगह
सिमेट्रिक रिलेशन का क्या मतलब है कि अगर अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा रखा तो वो वापस वैसा ही आ जाएगा। तो जैसे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा रखा तो ये वापस आ गया। अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा रखा तो ये वापस आ गया। ये जैसे अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ये भी सिमेट्रिक है। कैसे? अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा, बीटा की जगह अल्फा, अल्फा की जगह बीटा रखा तो वापस आ गया। अल्फा बीटा प्लस वन बाय अल्फा, ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है। अल्फा माइनस बीटा, ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा रखा तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन अगर मॉड अल्फा माइनस बीटा ले तो ये सिमेट्रिक है क्योंकि ये मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा विच इज मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा ही होगा, तो ये सिमेट्रिक है। इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, तो रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। इसको रिलेशन को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको डिफरेंस ऑफ रूट्स बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, तो ये बी स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस फोर इंटू सी बाई, तो ये आ जाएगा रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट डी बाय ए स्क्वायर, यानी रूट डी बाय मॉड ए, क्योंकि रूट के अंदर स्क्वायर मॉड बन के बाहर निकलता है, तो रूट डी बाय मॉड ए। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होगा? रूट डी बाय मॉड ए। और एक और जादू दिखाता, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, अगर मान लो एस आर इज इक्वल टू अल्फा रेस टू आर प्लस बीटा रेस टू आर है, तो तुम्हें मान लो एस फाइव निकालना है, यानी अल्फा रेस टू फाइव प्लस बीटा रेस टू फाइव, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? तो देखो, तो ये अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। बीटा इसका रूट है, तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। कर दो, अगर ऐड करते हो तो क्या आएगा? ए टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बी टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस टू सी इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया ए एस टू प्लस बी एस वन प्लस टू सी इक्वल टू जीरो। अब सोचो मुझे एस फाइव चाहिए, तो एस फाइव चाहिए तो मैं क्या करूंगा? तो एस फाइव अगर मुझे चाहिए तो इसको अल्फा क्यूब से मल्टीप्लाई और इसको बीटा क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब क्या होगा देखते हैं। तो ए अल्फा रेस टू फाइव प्लस बी अल्फा रेस टू फोर प्लस सी अल्फा क्यूब इक्वल टू जीरो, ए बीटा रेस टू फाइव प्लस बी बीटा रेस टू फोर प्लस सी बीटा क्यूब इक्वल टू जीरो। अब दोनों को ऐड करो, तो ए एस फाइव प्लस बी एस फोर प्लस सी एस थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो फंडा क्या रहेगा कि तुम्हारे एस वन निकालो, फिर एस टू निकालो, एस थ्री निकालो, एस फोर निकालो, तो अगर एस थ्री एस फोर पता होगा तो एस फाइव आ जाएगा। तो वो रिलेशन, तो पर लेकिन ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। फिर चले वन टू थ्री निकलेगा, वन टू थ्री फोर निकलेगा, फिर एस फाइव निकलेगा। इसलिए इतना हायर ऑर्डर पूछता नहीं है कोई, पर फोर इज कॉमन, फोर तक पूछ सकते हैं। अल्फा रेस टू फोर प्लस बीटा रेस टू फोर का वैल्यू कितना है, यहां तक चलता है। नेक्स्ट है, ये जो वर्टिकल पैराबोला होता है y is equal to ax square plus bx plus c, ये जो वर्टिकल पैराबोला होता है, तो या तो मुंह ऊपर खुलेगा या फिर मुंह नीचे खुलेगा। तो जब मुंह ऊपर खुलता है तो एक मिनिमम वैल्यू आती है, तो इसको बोलते हैं मिनिमा, और जब मुंह नीचे खुलता है तो एक मैक्सिमम वैल्यू आती है, इसको बोलते हैं मैक्सिमा। तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो उस केस में मिनिमा आएगा, और लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा तो उस केस में मैक्सिमा आएगा। कहां पर आएगा? माइनस बी बाई टू ए। ये कैसे पता? डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो टू एक्स प्लस बी फॉर मैक्सिमा मिनिमा दिस इज इक्वल टू जीरो, फॉर मैक्सिमा मिनिमा दिस इज इक्वल टू जीरो, तो x आ जाएगा माइनस बी बाई टू ए। कितना आएगा वो x को इसके इक्वेशन में रख दो, तो ये आता है माइनस डी बाई फोर ए। तो ये पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, और इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला।
इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. सेम सेम बिल्कुल मैक्सिमा के केस में भी है, पूरा सेम टू सेम. माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए, पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए. सिर्फ फर्क किस चीज का है, फर्क है लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव तो मिनिमा, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव तो मैक्सिमा, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव तो मिनिमा. तो लीडिंग कोफिशिएंट का साइन है, बाकी सब सेम टू सेम है. तो लीडिंग कोफिशिएंट का फर्क है, नहीं तो बाकी देखोगे तो ये सेम टू सेम है. वर्टेक्स x का वैल्यू वो भी सेम है, y का वैल्यू वो भी सेम है. तो फर्क कहाँ पे आ जाता है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव मिनिमा, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव मैक्सिमा. तो एक दो ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो y is equal to x square minus 5x plus 6 का ग्राफ बनाना मुझे. तो मैं क्या क्या करूंगा, तो देखो इसका लीडिंग कोफिशिएंट है 1 पॉजिटिव, इसका डिस्क्रिमिनेंट है पॉजिटिव. तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ये बताया कि मुंह ऊपर खुलेगा. डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है मतलब ये x एक्सिस को दो बार कट करेगा. इसका c पॉजिटिव है, y एक्सिस को ऊपर कट करेगा. इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 है व्हिच इज पॉजिटिव, तो यानी दोनों रूट्स या तो पॉजिटिव है या दोनों रूट्स नेगेटिव है. इसका सम ऑफ रूट्स है 5 व्हिच इज आल्सो पॉजिटिव. अगर सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव है तो यानी कम से कम एक रूट पॉजिटिव है, पर प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव है तो दोनों ही रूट पॉजिटिव होने पड़ेंगे. तो दोनों ही रूट पॉजिटिव होने पड़ेंगे. तो मैं अगर इसका एक्चुअल ग्राफ प्लॉट करूं तो ऐसा कुछ आएगा. तो मैं इसका अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो एक्चुअल ग्राफ ऐसा आएगा. ये हो जाएगा 0.6, ये रूट हो जाएगा 2.0, ये रूट हो जाएगा 3.0, ये मिनिमा हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए. तो माइनस बी बाई टू ए यानी 5/2, तो 5/2. और कितना होगा ये, 5/2 रख दो इक्वेशन में, 5/2 रख दो तो ये आएगा 25/4 माइनस 25/2 प्लस 6, तो यानी माइनस 25/4 प्लस 6 यानी माइनस 1/4, तो माइनस 1/4. तो वर्टेक्स आ गया 5/2 कॉमा माइनस 1/4. ठीक है, तो ऐसे और भी प्लॉट, ऐसे और भी प्लॉट कर सकते हैं. तो y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, एक और प्लॉट करके देखते हैं. तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मुंह ऊपर खुलेगा. डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, रूट्स इमेजिनरी है यानी x एक्सिस को कट नहीं करेगा. फिर इसका c पॉजिटिव है तो y एक्सिस को ऊपर कट करेगा. अच्छा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि रूट्स इमेजिनरी है. तो रूट्स इमेजिनरी है हाँ, लेकिन मिनिमम मैक्सिमा का देख सकते हैं. तो इस केस में लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मुंह ऊपर खुलेगा तो मैक्सिमा आएगा, मिनिमा आएगा. लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो मुंह ऊपर खुलेगा, तो इस केस में मिनिमा आएगा, तो माइनस बी बाई टू है, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2, तो माइनस 1/2. और वैल्यू आएगी रख दो माइनस 1/2, तो ये आएगा 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/4 प्लस 1 विच इज 3/4. तो यानी ग्राफ होगा इस तरह से. तो ये y एक्सिस को 1 पे कट करेगा, ये माइनस हाफ पे मिनिमा आएगा 3/4, और वर्टेक्स हो जाएगा माइनस हाफ कॉमा 3/4. तो वर्टेक्स हो जाएगा माइनस हाफ कॉमा 3/4. ओके, एक मिनट ना. ओके, सो नेक्स्ट है, अच्छा क्वाड्रेटिक में एक चीज हमेशा ध्यान रखो, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो कुछ रिमार्क्स है वो ध्यान में रखो. जैसे पहली चीज, अगर a और c अपोजिट साइन है, अगर a और c अपोजिट साइन है तो रियल रूट्स आएंगे ही आएंगे. a और c अगर अपोजिट साइन है तो रियल रूट्स आएंगे ही आएंगे. दूसरा, अगर सम ऑफ कोफिशियंट अगर कभी जीरो है, सम ऑफ कोफिशियंट अगर जीरो है तो एक रूट वन होगा
और दूसरा रूट, एक रूट वन होगा और दूसरा रूट सी बाय ए होगा. तो अगर कभी भी सम ऑफ कोफिशिएंट जीरो है तो एक रूट वन होगा, दूसरा रूट सी बाय होगा. वैसे ये पूरी पॉलिनोमियल में भी ट्रू है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसमें सम ऑफ कोफिशिएंट अगर जीरो है, अगर उसके सम ऑफ कोफिशिएंट जीरो है तो उसका एक रूट वन होगा ही होगा. बाकी का पता नहीं पर एक रूट तो वन होगा अगर सम ऑफ कोफिशिएंट जीरो है. नेक्स्ट है रिमार्क. तो फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक रूट जीरो है और दूसरा रूट नॉन जीरो है, दूसरा रूट नॉन जीरो है, तो प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा पर सम ऑफ रूट जीरो नहीं होगा. जरूरी नहीं, नहीं जरूरी नहीं वैसे तो. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जीरो हो जाएगा यानी सी बाय ए जीरो हो जाएगा, तो यानी सी जीरो हो जाएगा. सेकेंड, अगर किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट जीरो है, अगर किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट जीरो है तो उसका प्रोडक्ट भी जीरो होगा, सम भी जीरो होगा, तो यानी सी बाय ए भी जीरो होगा यानी सी जीरो होगा. और अगर सम ऑफ रूट जीरो है तो माइनस बी बाय ए जीरो होगा यानी बी भी जीरो होगा. तो पहले के केस में पॉलिनोमियल क्या दिखेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स. और वो पॉलिनोमियल कैसी बन रही होगी, ओरिजिन से पास होने वाली, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म जीरो है ना. और दूसरे के केस में क्या होगा, दोनों ही रूट जीरो है, इसका मतलब रिपीटिंग रूट्स हैं, और रिपीटिंग रूट्स है तो जीरो पे टच करेगा, रिपीटिंग रूट्स है तो वो जीरो पे टच करेगा. और इस केस में सी भी जीरो है बी भी जीरो है. नेक्स्ट थर्ड इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो इसका एक रूट इन्फिनिटी और दूसरा रूट फाइनाइट है, तो इसका क्या मतलब होगा. तो अब देखो, रूट वो होता है जिसके रखने से जीरो हो जाए, रूट वो होता है जिसके रखने से वो जीरो हो जाए. तो रूट वो होता है जिसके रखने से जीरो हो जाए, पर इन्फिनिटी को रख के तो सब मीनिंगलेस हो जाएगा. तो इन्फिनिटी को रखने से तो मीनिंगलेस हो जाएगा, तो इसको कैसे समझे. तो एक्चुअली ऐसा कभी होता नहीं है. क्यों? क्योंकि अपन बोलते हैं ना पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी. तो जब पैरेलल लाइंस मिलती नहीं है तो इन्फिनिटी भी मिलेगा नहीं, और इन्फिनिटी मिलेगा नहीं तो मतलब पैरेलल लाइंस कभी मिलेंगी नहीं. ओके, तो फिर ये वियर्ड सिचुएशन को समझे कैसे. अब इसको अंडरस्टैंड तो करना पड़ेगा, ऐसा होता नहीं है पर इसका क्या मतलब जा रहा है ये अपने को समझना है. तो उसका एक तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन. क्योंकि मुझे इन्फिनिटी नहीं समझ में आएगा पर इसका रेसिप्रोकल, तो एक्स की जगह वन अपॉन वाई पुट कर दो. तो ए अपॉन वाई स्क्वायर प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो इससे क्या होगा, तो जब एक्स की जगह वन अपॉन वाई पुट कर रहे हैं तो फिर तो रूट्स भी रेसिप्रोकल हो जाएंगे. तो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, और वन अपॉन फाइनाइट इज अ फाइनाइट, वन अपॉन फाइनाइट इज अ फाइनाइट. तो ये अपना पहला रिमार्क हो गया एक तरह से. इसको तमीज से लिखा सी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो, सी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो. तो सी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो. तो इसका एक रूट जीरो हो गया और दूसरा रूट फाइनाइट हो गया. तो ये पहला रिमार्क आ गया. पहला रिमार्क आ गया मतलब कॉन्स्टेंट टर्म शुड बी जीरो. तो कॉन्स्टेंट टर्म शुड बी जीरो, बट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो ए जीरो हो जाएगा एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो. तो सपोज अगर ऐसे ही क्वाड्रेटिक होती है, दो रूट से इन्फिनिटी होते हैं, तो वही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो उसके दोनों रूट्स इन्फिनिटी होते तो फिर वही रेसिप्रोकल. तो रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. तो सी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो, तो उसके दोनों रूट जीरो हो जाएंगे. और अगर दोनों रूट जीरो हो गए तो बी भी जीरो ए भी जीरो, पर सी नॉट इक्वल टू जीरो. तो ए जीरो हो जाएगा बी जीरो हो जाएगा पर सी नॉट इक्वल टू जीरो. वो सी नॉट इक्वल टू जीरो क्यों, क्योंकि अगर सी भी जीरो हो गया तो वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और जीरो इक्वल टू जीरो बिकम्स आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी हैज इनफाइनाइट रूट्स, पर दो ही रूट्स बोल रहा है.
तो इनफाइनाइट रूट छोड़ नहीं सकते एक, सर हाँ सर बट वो इक्वेशन ली थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो ली थी ना हाँ तो हाँ अगर a भी जीरो होगा b भी जीरो होगा तो c तो होना पड़ेगा ना नहीं नहीं तुम अच्छा ये इक्वेशन है एक्चुअली ये ओरिजिनली ऐसे है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फिर अपन क्या कर रहे हैं इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो जिसके दो रूट्स हैं इन्फिनिटी तो उसमें a जीरो हो गया b जीरो हो गया और ये c रह जाएगा y इक्वल टू c ऐसा होगा तो जब तुम इक्वेशन देख रहे हो तो सब तब उसके सिर्फ दो ही रूट्स हैं पर एक्चुअली हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है ओके नेक्स्ट तो तीनों जीरो नहीं हो सकते क्योंकि अगर ए बी सी तीनों जीरो हो जाएंगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी और आइडेंटिटी हैज इनफाइनाइट रूट्स यानी तो ऐसे समझ लो चलो अगर ए जीरो बी जीरो सी जीरो हो गया तो वाई इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो कौन होगी एक्स एक्सेस और एक्स एक्सेस को कितनी बार कट कर रही है इनफाइनाइट टाइम्स तो यानी रूट्स कितने हो गए इनफाइनाइट रूट्स और इनफाइनाइट रूट्स का मतलब हो गया आइडेंटिटी कि मतलब वो जीरो इक्वल टू जीरो ही हो जाएगा फिर ऐसा होगा अच्छा अब तुम्हें क्या समझना है तुम्हें समझना है कि पॉलिनोमियल के जितने रूट्स इन्फिनिटी होते हैं उसकी उतनी डिग्री कम हो जाती है तो देखो जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो था एक रूट इन्फिनिटी था तो ए जीरो हो गया तो पॉलिनोमियल हो जाएगी बी एक्स प्लस सी जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो था और दोनों रूट्स इन्फिनिटी थे तो ए जीरो हो जाएगा बी जीरो हो जाएगा तो पॉलिनोमियल हो जाएगी y इक्वल टू c तो यहाँ पर एक डिग्री टूटी तो ये डिग्री वन हो गया क्योंकि एक रूट इन्फिनिटी है तो एक डिग्री टूटा यहाँ दो रूट इन्फिनिटी है तो ये दो डिग्री टूटा तो जितने रूट इन्फिनिटी उतनी डिग्री टूटेगी तो सपोज अगर डिग्री फाइव है तो डिग्री फाइव के दो रूट्स इन्फिनिटी है बाकी सब फाइनाइट है तो डिग्री फाइव विल कन्वर्ट इंटू तो दो इन्फिनिटी है तो दो डिग्री टूटेगी तो डिग्री थ्री में कन्वर्ट हो जाएगी और वो डिग्री थ्री के तीन रूट्स होंगे ये फाइनाइट रूट्स तो तुम अब ध्यान में रखो किसी भी पॉलिनोमियल के जितने रूट्स इन्फिनिटी होंगे उतनी डिग्री उसकी टूटेगी तो किसी भी पॉलिनोमियल के जितने रूट्स इन्फिनिटी होंगे उसकी उतनी डिग्री टूटेगी तो अगर डिग्री सिक्स पॉलिनोमियल के अगर दो रूट्स इन्फिनिटी है तो वो डिग्री फोर में कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स ओके तो नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू डिस्टिंक्ट रूट्स ये अपन ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कोई भी डिग्री एंड पॉलिनोमियल के एन से ज्यादा रूट्स नहीं होते हैं तो डिग्री टू पॉलिनोमियल के भी दो से ज्यादा रूट्स नहीं होंगे पर इस क्वेश्चन में इस नोट में आधा पार्ट और है बट इफ इट हैज कि अगर कोई बोले कि नहीं ऐसा ही है कि दो से ज्यादा रूट्स हैं तो उसका क्या मतलब होगा तो दो से ज्यादा रूट्स हैं तो उसका क्या मतलब होगा तो दो से अगर किसी क्वांटिटी के दो से ज्यादा रूट्स हैं तो वो आइडेंटिटी बन जाएगी So then it becomes an identity, and identity has infinite roots. Roots. तो अगर किसी quantity के दो से ज्यादा roots हो गए ऐसा होता नहीं है पर हो गए तो वो infinite roots होंगे तो जैसे कि example से समझाता हूँ तो तुम्हें अच्छे से समझेगा तो question ये है कि एक इक्वेशन दे रखी है उसके नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं इसके नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं तो फंडा क्या है ठीक है तो इसको सिंपलीफाई कर लो पर सिंपलीफाई करने में हालत टाइट हो जाएगी क्यों क्योंकि एक तो एलसीएम लगेगा और एलसीएम लगने के बाद में ये सबको एक्सपैंड भी करना पड़ेगा इसको एक्सपैंड फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो मतलब इतने सारे फैक्टर्स होंगे और उसको एक्सपैंड करना होगा
और अल्टीमेटली पता है सॉल्व करके क्या आएगा लास्ट में, x is equal to x यानी 0 equal to 0 which is an identity which has a infinite number of roots. तो ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपेंड करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, बट मुझे बिना एक्सपेंशन के करना है. वैल्यूज अगर रख के किया तो? हाँ नहीं बताता ना मैं, तो मुझे बिना एक्सपेंशन के बताना था इसको. तो देखो फंडा क्या है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये क्वाड्रेटिक आएंगी. इसका मतलब है ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन जब मैंने इसमें x is equal to a रखा तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, b रखा तो सेटिस्फाई कर रही है, c रखा तो सेटिस्फाई कर रही है, तो a b c तीनों रखा तो सेटिस्फाई कर रही है, यानी ये तीन रूट्स हो गए. तो देख के तो पता चल रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो तीन रूट्स आ गए, तो तीन रूट्स आ गए तो यानी बट इफ इट हैज मोर देन टू रूट्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स. तो ठीक है, तो अगर ये क्वाड्रेटिक थी तो इसके दो ही आने चाहिए थे, पर इसके तो दो से ज्यादा आ गए, तो देन इट बिकम्स एन आइडेंटिटी. तो आइडेंटिटी बन जाएगी, तो उसके कितने रूट्स होंगे, इनफाइनाइट. तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रूट्स, तो आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट. तो आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट. तो ये क्या किया, ये बिना एक्सपेंशन के इस रिमार्क की वजह से बता पाया मैं, बिना एक्सपेंशन के इस रिमार्क की वजह से बता पाया. अगर ये रिमार्क मेरे पास नहीं होता तो मुझे ये फिर मजदूरी हो जाती, वो अपने को करना नहीं था. तो ये रिमार्क की वजह से ऐसा हुआ. अब ये रिमार्क का प्रूफ, तो मान लो, तो अजम्पशन एंड कॉन्ट्रडिक्शन से कि क्वाड्रेटिक के मोर देन टू रूट्स हैं, कि इसके तीन रूट्स हैं, एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री. तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर इसके तीन रूट्स हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो तीनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो एक्स वन स्क्वायर प्लस बी एक्स वन प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स टू स्क्वायर प्लस बी एक्स टू प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स थ्री स्क्वायर प्लस बी एक्स थ्री प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो तीनों इसको सेटिस्फाई करेंगे. नेक्स्ट है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन और थर्ड. तो मैंने अज्यूम कर लिया कि दो से ज्यादा रूट्स हैं, तीन, तो फर्स्ट और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट किया, एक्स वन स्क्वायर माइनस x2 square plus b times x1 minus x2 equal to 0. फिर मैंने 2 और 3 को subtract किया, तो a times x2 square minus x3 square plus b times x2 minus x3 equal to 0. फिर ये मैंने इसको थोड़ा simplify किया, तो x1 minus x2 common आ गया, तो अंदर बचा a times x1 plus x2 plus b equal to 0. नीचे x2 minus x3 into a times x2 plus x3 प्लस बी इक्वल टू जीरो. अब हमें पता है कि एक्स वन और एक्स टू बराबर नहीं है, तो यानी एक्स वन माइनस एक्स टू कैन नेवर बी जीरो, तो इसका मतलब है ए दूसरा फैक्टर जीरो होना पड़ेगा, तो ए टाइम्स एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस बी मस्ट बी जीरो. सिमिलरली एक्स टू माइनस एक्स थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ए टाइम्स एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस बी भी जीरो. ये हो गया ए इक्वेशन, ये हो गया बी. अब ए और बी को सब्ट्रैक्ट किया, तो वो आएगा a times x1 minus x3 equal to 0. तो product of two term equal to 0, either one of them is 0, but x1 minus x3 is not equal to 0, तो a must be 0, contradiction, कैसे, क्योंकि अगर ये quadratic थी, तो leading coefficient can never be 0, ये quadratic equation थी, तो leading coefficient can never be 0, तो ये हो गया contradiction, तो my assumption is wrong, कि दो से ज़्यादा roots नहीं हो सकते. But if it has, मतलब ऐसा है, तो ठीक है, तो यानी उसके दो से ज्यादा रूट्स हैं, मतलब फिर ये a equal to zero होना पड़ेगा, फिर a equal to zero होना पड़ेगा. तो अगर a zero हो गया, तो from b, equation b, तो अगर a zero हो गया, तो from equation b, तो b भी zero हो जाएगा, और from equation one, A 0 है, B 0 है, तो C को भी 0 होना पड़ेगा.
तो ये बन जाएगी आइडेंटिटी. तो आइडेंटिटी विच हैज अ इनफाइनिट्यूड. ठीक है, अब तुम बस इतना ध्यान रखो कि डिग्री टू पॉलिनोमियल के दो से ज्यादा रूट्स नहीं होते. प्रूफ इज नॉट इम्पोर्टेंट, प्रूफ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट तुम ये ध्यान रखो कि दो से ज्यादा रूट्स नहीं होते, और अगर हुए तो वो आइडेंटिटी बनेगी, यानी इनफाइनाइट रूट्स हो जाएंगे. नेक्स्ट है कंडीशन कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स. कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स. कॉमन रूट्स मतलब मान लो कोई दो इक्वेशन दे रखे, ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, दूसरी है ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू जीरो. तो ये दो इक्वेशन दे रखे हैं. अब पहली वाली के कोई दो रूट्स होंगे, दूसरी वाली के भी दो रूट्स होंगे. तो वो बोल रहे हैं कि अगर दोनों में कुछ कॉमन हो तो ठीक है. तो ये दो केस बन गए. पहला केस जब एक रूट कॉमन है, तो वन रूट इज कॉमन. और दूसरा केस व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन. तो दोनों रूट्स कॉमन है तो क्या होगा. तो देखो, तो ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू जीरो. तो अगर इसके दोनों रूट्स कॉमन है, तो दोनों रूट्स कॉमन है तो दोनों सेम सेम है. तो दोनों रूट्स कॉमन है तो कोफिशियंट आ रही है रेशियो ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू. तो अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू. और अगर एक रूट कॉमन है तो सपोज इसका एक रूट कॉमन है, ये बीटा और ये गामा, तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा. तो ए वन अल्फा स्क्वायर प्लस बी वन अल्फा प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी टू अल्फा प्लस सी टू इक्वल टू जीरो. तो क्रेमर्स रूल. तो क्रेमर्स रूल क्या करेगा, अल्फा स्क्वायर ये दोनों में कॉमन अल्फा स्क्वायर, फिर इन दोनों में कॉमन अल्फा, और ये दोनों में वन, फिर बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, और ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू, फिर ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन. तो पहले वाले में क्या करते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, दूसरे में क्या करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, तीसरे वाले में ऊपर से नीचे. ठीक है, तो इन दोनों को यूज करके अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, और इन दोनों को यूज करके अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी. तो बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन. फिर अल्फा को एलिमिनेट कर देंगे. तो अल्फा को एलिमिनेट करने का मतलब है कि सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का होल स्क्वायर इक्वल टू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन. फिर काटापीटी करेंगे तो ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये काटापीटी एक एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इन टू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन. ये क्या बता रहा है कि वो जो दोनों क्वाड्रेटिक है, ये जो दोनों क्वाड्रेटिक है, ये जो दोनों क्वाड्रेटिक है, इनके कोफिशियंट्स में अगर ये रिलेशन आया तो एक रूट कॉमन होगा. अगर उनके कोफिशियंट में ये रिलेशन है तो एक रूट कॉमन होगा. नेक्स्ट, ग्राफिकली कैसा दिखेगा. अब ये दो क्वाड्रेटिक मतलब दो अलग अलग पैराबोला, कोई एक होगा, एक ऐसा होगा, कुछ कोई ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा, सब अपने अपने में होंगे. पर यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे एक रूट कॉमन है, तो एक रूट कॉमन है तो मतलब दोनों एक रूट शेयर कर रहे हैं. तो ये देखो, ये रूट कॉमन हो गया, पर दूसरा वाला कॉमन नहीं है, तो एक रूट कॉमन हो गया. और भी पॉसिबल है, ग्राफ बहुत सारे पॉसिबल है, ये भी ऐसा भी पॉसिबल है, फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि ये ऐसे भी दोनों का ही मुंह ऊपर खुल रहा है, ऐसा भी पॉसिबल. अल्टीमेटली फंडा ये है कि उनका एक रूट कॉमन है, शेयर हो रहा है. और अगर दोनों रूट कॉमन है तो अगर दोनों रूट कॉमन है तो वो दोनों से ही पास होगा. तो ये दोनों से पास, इस केस में ये होगा कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री सेम रहेगी दोनों की. तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री सेम रहेगी क्योंकि दोनों का रूट कॉमन है, तो अल्फा और बीटा दोनों का शेयर हो रहा है, और मिनिमा मैक्सिमा जो आता है वो माइनस बी बाई टू पे आता है, विच इज अल्फा प्लस बीटा बाई टू.
तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा सेम है तो मिड पॉइंट भी सेम होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बाय टू. तो एक्चुअली मैक्सिमम मिनिमा जो आता है वो रूट्स के मिड पॉइंट पे आता है, सिमेट्री है ना, तो सिमेट्री है तो रूट्स के मिड पॉइंट पे ही आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बाय टू. तो दोनों रूट्स अगर कॉमन होते हैं तो दोनों की एक्सेस ऑफ सिमेट्री सेम होती है, उस केस में दोनों की एक्सेस ऑफ सिमेट्री सेम होगी. नेक्स्ट है सेकेंड डिग्री कर्व. सेकेंड डिग्री कर्व क्या होता है? सेकेंड डिग्री कर्व होता है जिसके अंदर डिग्री टू के टर्म्स हो इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल्स. डिग्री टू के टर्म्स क्या होते हैं? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई, एक्स वाई कॉन्स्टेंट. तो इसको जनरल जनरल इक्वेशन लिखते हैं. तो जनरल इक्वेशन, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो सेकेंड डिग्री, इसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री कर्व. अब अगर इसको कार्टेशियन पे प्लॉट करके देखें, तो कार्टेशियन पे अगर इसको प्लॉट करके देखें तो ये क्या क्या हो सकती है? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ये सर्कल हो सकता है, ये पैराबोला हो सकता है, ये हिलिप्स हो सकता है, ये हाइपरबोला हो सकता है, और ये हो गई अपनी 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इसके अलावा ये हो सकता है पॉइंट नो लोकस. तो ये जस्ट कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सेकेंड डिग्री कर्व दिया है और चार ऑप्शन दिए, बताओ कौन इसमें से कौन सा है, तो इस आइडेंटिफाई करने के लिए तो वो ऑप्शन है. तो ये हो गया पूरा 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ये हो गया कॉनिक सेक्शन प्लस सर्कल. तो ये सेकंड डिग्री कर्व पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, तो उस वो देखना है. तो ये सेकंड डिग्री कर्व पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा? जब डेल्टा जीरो होगा. और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट नहीं करेगा? जब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो. डेल्टा इक्वल टू जीरो डॉट डेल्टा नॉट इक्वल. डेल्टा क्या है? ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो. डिटर्मिनेंट में कैसा दिखाएगा? ए बी सी डायगोनल एफ जी एच एंटी क्लॉकवाइज और फिर ये मिरर इमेज. तो ये इसी का ही एक्सपेंशन है, है ना? तो ये इसी का ही आता है. ये आया कैसे? आया वो बोली माई अच्छो ना. माई कौन है किसी का? माई कौन है किसी का? हेलो माई कौन है? तो ए एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो मुझे प्रूफ करना है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी. तो मतलब मुझे पेयर मतलब दो स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्मेट. इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन का मतलब है x की पावर वन और y की पावर वन. तो लीनियर इक्वेशन का मतलब है x की पावर वन और y की पावर वन. ठीक है. तो इसको दो लीनियर इक्वेशन में तोड़ा जा सकता है. इसका ये मतलब है इसको दो लाइन में तोड़ा जा सकता है. इसका ये मतलब है. तो अगर इसको दो लाइन में तोड़ा जा सकता है तो इसका मतलब है x और y की वैल्यू एक दूसरे के टर्म्स में आएगी. तो इसको लिखते हैं x की क्वाड्रेटिक. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच वाई प्लस टू जी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो मैंने इसको लिखा x की क्वाड्रेटिक. अब मैं इसके रूट्स निकालूंगा. तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. अब ध्यान देना, तो x आ गया y के टर्म्स में. तो अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो x और y लीनियर होने चाहिए. यानी x की पावर 1 होनी चाहिए और y की पावर भी 1 होनी चाहिए. तो x की तो 1 है, इधर y की भी 1 है, पर इधर ये रूट परेशान कर रहा है.
तो ये रूट परेशान कर रहा है, तो फिर ये वाय अंदर फंसा हुआ है, तो इसका क्या? तो ये रूट खत्म होना चाहिए, तो स्क्वायर रूट तभी खत्म होगा जब अंदर परफेक्ट स्क्वायर होगा, अंदर परफेक्ट स्क्वायर होगा, और परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है रिपीटिंग रूट्स, इक्वल रूट्स, रिपीटिंग रूट्स, और रिपीटिंग रूट्स का मतलब है उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। तो एक्चुअली स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है वो वाई की क्वाड्रेटिक है, और इस वाई की क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए। तो जब वो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो एक्चुअली डेल्टा ही है, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो टू रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो कई बार ऐसे भी वर्ड्स आते हैं, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट टू लीनियर फैक्टर्स, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, कभी ऐसा आएगा, कभी ऐसा आएगा रिप्रेजेंट टू लीनियर फैक्टर्स, कभी ऐसा आएगा टू रैशनल फैक्टर्स। तो रैशनल फैक्टर मतलब x की पावर 1 y की पावर 1, तो उस केस में होगा डेल्टा इक्वल टू 0। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करता हूँ। सो कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट करेंगे, और हो सका तो सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करेंगे, नहीं तो थर्सडे को तो सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। तो थर्सडे को सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, कल क्वाड्रेटिक कंप्लीट करते हैं, चलेगा। सो थैंक यू टू ऑल, एंजॉय योर डे।